ठीक बात है, ये हो गए दोनों नंबर्स। दोनों नंबर्स अच्छे, खैर मस्ती करते रहते हैं हमारे डिविडेंड के लिए, पर पिछले 1-7 साल में स्टॉक लोअर लेवल से बहुत बढ़िया मोमेंटम दिखा चुका है। कैपिटल अप्रिसिएशन तो बहुत तगड़ा है उस स्टॉक में। सनोफी पे चेक ले लिया जाए है तो वैसे फंडामेंटल व्यू लेते हैं सनोफी पे। टिकट साइज बड़ा, ट्रेडर डिलाइट है नहीं। पार्थिव, ये फार्मा MNC प्लेयर्स सनोफी पसंद आता है कि नहीं आता, या फिर MNC फार्मा में आपका प्रिफर्ड पिक कौन सा है इस समय? लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल ये है कि उन्होंने पास्ट में काफी उनकी जो अच्छी ब्रांड्स है उनकी बिक्वारी की है। समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या फोकस करना चाहते हैं इंडियन मार्केट्स में, बिकॉज जो अच्छी ब्रांड्स थी, जो काफी ग्रोथ ब्रांड्स थी जिसमें मार्केट लीडरशिप थी, वो काफी उन्होंने बेची है। नो डाउट कंपनी के पास अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है और कंपनी आई थिंक रीजनेबली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन आई थिंक MNC प्लेज में हमें लग रहा है कि वन शुड लुक इन टू अ कंपनी लाइक अबॉट। अगर इसका ग्रोथ ट्रेंड देखे और कंसिस्टेंसी देखे और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस जो इंडियन मार्केट्स कैटेगरी में थेरेप्यूटिक्स में कर रहे हैं, स्पेशली लाइक्स ऑफ डायबिटीज है, कार्डियोवैस्कुलर है, CNS है, तो मुझे लग रहा है कि दे हैव मोर स्किन इन द गेम, दे आर मोर कमिटेड और इंडियन मार्केट्स के अंदर जिस तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान उनका है, तो मुझे लग रहा है कि दिस कंपनी कैन डू एक्सट्रीमली वेल। नो डाउट स्टॉक थोड़ा प्राइसी है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन आगे जाते हमें लग रहा है कि EPS ग्रोथ ट्रेंड्स कुड बी इजीली टू द ट्यून ऑफ 20% ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। कमिटेड मैनेजमेंट है और एनुअल रिपोर्ट जब पढ़ते हैं तो ऑलवेज इट्स अ डिलाइट, बिकॉज काफी प्रोडक्ट कैटेगरीज में उनकी लीडरशिप बढ़ती जा रही है, तो अबॉट विल बी अ प्रेफर्ड पिक एज कंपेयर टू सेल। ब्यूटीफुल मल्टीबैगर ओवर द इयर्स, रीसेंट बीच में कर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।